हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं आदियोगी। आप सभी ने इंटरनेट पे या किसी और जगह से सुना ही होगा आदियोगी का नाम। अगर आप चिंता में हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूजा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आदियोगी। आदियोगी एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को शांति मिल सकती है। आप मानोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भगवान को नहीं मानते वो भी आते हैं, और जिनकी श्रद्धा है वो तो ज़रूर आते हैं। आपकी भगवान पर श्रद्धा है तो बेशक ये जगह आपके बकेट लिस्ट में होगी ही, लेकिन अगर आप भगवान को नहीं मानते हो फिर भी आप इसी जगह को इतना ज़्यादा एंजॉय करोगे, यहाँ आकर शांति महसूस करोगे। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। गूगल में सर्च करने के बाद कोयम्बतूर शहर में आपको यह 112 फीट का स्टैचू दूर से भी दिखाई देगा। ये स्टैचू आदियोगी नाम से जाना जाता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव की कल्पना से बनाए गए इस स्टैचू के पीछे कलयुग का शांति का मंत्र छुपा हुआ है। आदियोगी को संसार का पहला योगी माना जाता है। लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करने का इसके पीछे का मकसद है, और इसी कारणवश आदियोगी स्टैचू हमें मेडिटेशन पोज में बैठे हुए नजर आते हैं। अगर आप आदियोगी जाने का प्लान बना रहे हो तो उससे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चार बातें याद रखना। यहाँ पर मोबाइल अंदर ले जाना मना है, इसीलिए आपके मौल्यवान कुछ भी चीजें हो तो वो आपके साथ में ना लाए तो ही अच्छा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है। नो गूगल पे, नो डेबिट कार्ड, इसीलिए अपने साथ कागजी कैश रखना भूलना मत। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कम से कम एक दिन निकाल कर आना। यहाँ का मुख्य आकर्षण आदियोगी स्टैचू है ही, लेकिन ईशा योगा सेंटर इसकी जान है, इसकी रूह है। अगर आप यहाँ आओगे तो इसका अनुभव जरूर लेना। और चौथी महत्वपूर्ण बात, महाशिवरात्रि का त्योहार यहाँ पर आकर जरूर अटेंड करना, इसीलिए आप उसी दौरान आपकी ट्रिप प्लान करना और इस जगह का आनंद जरूर लेना। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप नास्तिक भी हो फिर भी आपको यहाँ आकर शांति महसूस होगी, तो एक्चुअली हमने आदियोगी स्टैचू देखने के बाद हम ईशा योगा सेंटर गए। यह जगह कोई मामूली आश्रम नहीं है। यहाँ क्योंकि आपके साथ आपका फोन नहीं होता, इसीलिए आपको शुरुआत में खालीपन जरूर महसूस होता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे हम उस जगह की शांति में हमारी अंदर की अस्वस्थता को बहा देते हैं। आजू बाजू इतने लोग होते हैं, इतनी भीड़ होती है, फिर भी हम अकेले महसूस नहीं करते। आजकल हम इंटरनेट पे जो वेब सीरीज देखते हैं उस कारण हम इस जगह पर संदेह जरूर करते हैं, लेकिन हमें उस विचार के अंत तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारा वास्तव कुछ ही घंटों के लिए यहाँ होने वाला है। तो इसीलिए जितने समय तक इस योगा सेंटर में हो तब तक वहाँ की शांति का अनुभव ले, अपने अंदर चले युद्ध को शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ जाकर आपको महसूस होगा ऐसे कई लोग हैं जो आप जैसे किसी समस्या से गुजर रहे हैं और फिर भी वो शांत है अंदर से। बहुत बार ऐसा होता है हमें शांति चाहिए होती है, लेकिन आजू बाजू इतनी भीड़ रहती है, इतनी बातें रहती है, कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक ऐसा अलिखित रूल है जो यहाँ पर कोई बात नहीं करता, सभी जो वॉलेंटियर्स है, शिष्य है, सेवा करने वाले लोग हैं, वो हमें अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने हैंड जेस्चर के थ्रू हमें बताते हैं कि बातें मत करो, मौन रखो और अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। यहाँ पर हमें योगा करने का
अवसर मिला, उसके साथ साथ हमें आरती भी मिली। मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ मैं भी नहीं जानती आज तक, लेकिन मैंने जो अनुभव लिया वो मेरे अंदर की शांति को पाने के लिए लिया। भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते मैं नहीं जानती, और इस विवाद में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। जब तक मेरी शांति, मेरा पीस मुझे कहीं ऐसी किसी जगह से मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स, मेरे अंदर के लॉजिक को एग्जिस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पीस इज़ द लास्ट एंड अल्टीमेट ट्रूथ टू लिव दिस लाइफ, टू सफर दिस लाइफ एंड टू एंजॉय दिस लाइफ। That's what I learned from this experience, and Adi Yogi is that experience. वो आप भी ज़रूर महसूस करोगे अगर आप खुद को अलाउ करते हैं ऐसी जगह पर जाने के लिए, और खुद के लॉजिक को पीछे रख कर अपने अंदर की शांति को ढूंढने के लिए। Any difficulty going there or anything, whatever you feel through this video, मुझे comment करके बताइए आपको क्या महसूस हुआ। अगर आप जाकर आए हो तो आपका experience कैसा था। Stay tuned and thank you for your time and thanks for watching.